जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूबीसीडी न्यूज को। हाथरस में हुए गैंगरेप तथा पीड़िता की मौत के बाद मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। इस मामले में विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस आमने सामने आ गए हैं। पुलिस ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर F1 गेस्ट हाउस ले गई है। हाथरस जाने के लिए आगरा एक्सप्रेसवे पर पैदल निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा में ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर जीप में बिठा लिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने वहां जमकर हंगामा किया तथा पुलिस की गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया। बता दें कि राहुल तथा प्रियंका को एक ही गाड़ी में बिठाकर जेवर थाने ले जाया गया। इस पूरे मामले में पुलिस को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे थे तथा वह लगातार गाड़ी की छत पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे। हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने के लिए जाने के दौरान नोएडा पुलिस तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। पुलिस ने अभी हालात पर काबू पा लिया है।